वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे परफेक्शनिज्म के बारे में परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड क्या होता है इस सोच के मालिक लोग किस अंदाज में सोचते हैं और उनके इस एटीट्यूड का उनकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है और हम कैसे इस एटीट्यूड से बाहर निकल सकते हैं आज हम बात करेंगे इन्हीं मौजुआत के इर्द गिर्द अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं कामयाबी के असूल सीखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके चलिए बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब वेलकम बैक दोस्तों आपने गौर किया होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने इस टास्क के लिए अपना 100 परसेंट दिया या 110 परसेंट एफ़र्ट की और मुझे यकीन है कि मुझे कामयाबी जरूर हासिल होगी हमारा ये एटीट्यूड क्यों बनता है बेसिकली हमारा ये एटीट्यूड हमारा कल्चर हमारी सोसाइटी या हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स बनाते हैं आप अगर गौर करें और याद करें कि जब आप स्कूल में थे तो उस वक्त आपकी क्लास में जो बच्चा फ़र्स्ट आता था उसका एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर प्रेजेंट किया जाता था उसका टेस्ट स्कोर सबको दिखाया जाता था उसका पेपर सबको दिखाया जाता था और कहा जाता था कि देखो इसने मैथ में हंड्रेड में से हंड्रेड मार्क्स लिए हैं अगर ये ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते सो so, ये जो हंड्रेड में से हंड्रेड मार्क्स लेना या हंड्रेड परसेंट देने वाला एटीट्यूड है ये हमें हमारे कल्चर से मिलता है ये रवैया हमें ज़्यादातर अपनी ख़ातिन में भी देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में औरतें ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि डिटेल्ड ऑरिएटेड होती हैं जब वो ड्रेसअप होती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो हर चीज़ मैचिंग में पहने उनके जूते उनके बैग उनके कपड़ों से मैच करते हों ज्वेलरी उनके कपड़ों से मैच करती हो सो ये डिटेल्ड ऑरिएटेड होना इस बात की निशानी है कि हमें अपने काम में या अपनी पर्सनैलिटी में परफेक्ट परफेक्शनिज्म uh, चाहिए और हम परफेक्ट होने चाहिए तभी सोसाइटी हमें अप्रूव करेगी तभी वो हमें अप्रिशिएट करेगी सो so, कहीं ना कहीं ये एक तरह से हमारा फियर uh, भी होता है कि अगर हम हम में कोई ख़ामी हुई या कोई कमी हुई तो हमें डिसअप्रूव कर दिया जाएगा या हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिले मिलेगी और उस फियर को ओवरकम करने की वजह से हम हमारे अंदर ये एक परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड आ जाता है समटाइम्स पेरेंट्स uh, अपने बच्चों को बोलते हैं कि देखो फ्लां बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लिए तुमने क्यों नहीं लिए या तुम क्यों नहीं ऐसे कर सकते जब एक बच्चा हंड्रेड में से हंड्रेड ले सकता है तो तुम क्यों नहीं ले सकते तुम भी ले सकते हो सिर्फ जब, जब पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आता है तो बच्चे के अंदर ये कह लें कि ये सोच डेवलप हो जाती है कि वो अगर हंड्रेड में से हंड्रेड मार्क्स लेगा तो तभी उसको अप्रूवल मिलेगा उसको पेरेंट्स का अप्रूवल मिलेगा क्लास में उसकी तारीफ होगी ज़्यादा बच्चे उसके फ्रेंड्स बनना चाहेंगे उसके टीचर्स को अप्रिशिएट करेंगे सो so, ये सोच हमारी सोसाइटी हमारे अंदर इनकलकेट करती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको लेकर बड़े होते जाते हैं और ये सोच हमारे दिमाग में रासक होती जाती है और जब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फिर हम किसी को भी गलती का मार्जिन नहीं देते लोगों को एज uh, ह्यूमन डील करते हुए हमें डिफ़िकल्टी होती है कोई मिस्टेक करे Uh, तो हम उसको अप्रूव नहीं करते उसको फगीव नहीं करते यहाँ तक कि अगर हम ख़ुद कोई गलती करें तो तब भी हम खुद को माफ़ नहीं करते क्योंकि हमें अपने काम में परफेक्शन चाहिए होती है और हम चाहते हैं कि अगर हमने लेस देन हंड्रेड परसेंट दिया तो फिर वो या तो क्वालिटी वर्क नहीं होगा या वो डिसअप्रूव हो जाएगा या लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे सो so, ये थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में होता है जो हमें हमें प्रेशराइज़ करता है कि हम अपने काम को हंड्रेड करें इसके डाउन साइड इफेक्ट्स अगर आप नोटिस करें तो वो ये होते हैं कि जब इंसान परफेक्शनिज्म की तरफ ज़्यादा फोकस करता है तो वो हर चीज़ के बारे में सोच रहा होता है जिसकी वजह से वो एक टास्क पर बहुत ज़्यादा वक्त लेता है और समटाइम्स उसको आइडिया नहीं होता कि वो एक काम को करने के लिए कितना वक्त ले रहा है और उसकी वजह से बाकी उसके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निगलैक्ट हो रही हैं मे बी उसकी स्लीप निगलैक्ट हो उसका उसकी डाइट निगलैक्ट हो उसके रिलेशनशिप्स निगलैक्ट हो रहे हों उसका उसकी हेल्थ सफ़र कर रही हो ये सारी चीज़ें वो भूल जाता है और उसका सारा फोकस उस काम की तरफ होता है और उसकी तवज्जो होती है कि उसका काम हंड्रेड परसेंट सही होना चाहिए एक परफेक्शनिस्ट इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करे समटाइम्स उसके अपने हाई स्टैंडर्ड उसके लिए एक सेटबैक का, का काम करते हैं वो एक काम को परफेक्ट करने के लिए इतनी बार ट्विक करता है कि उसको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसका काम कब कंप्लीट हो गया है वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसका काम या उसका टास्क कंप्लीट कब होगा और अगर वो कंप्लीट हो भी जाए तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता उसको लगता है कि अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से वो एंक्शस भी होता है फ्रस्ट्रेटेड होता है और बहुत बार डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसको कामयाबी फील ही नहीं होती वो कामयाब हो भी जाए तो उसको लगता है कि फिर भी इसमें कोई कमी थी बहुत बार देखने में आया है कि परफेक्शनिस्ट इंसान के लिए अपने टास्क को डेलीगेट करना बहुत मुश्किल होता है इस तरह के लोग टीम वर्क के लिए मुनासिब नहीं होते या ये कह लीजिए कि ये बिहेवियर कलाबोरेशन के लिए सूटेबल नहीं है अगर आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ कलेबरेटिव वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है जहाँ लोग टीम वर्क करते हैं तो वहाँ इस इस किस्म का इंसान या इस एटीट्यूड का मालिक इंसान एक अपने काम को डेलीगेट करते हुए घबराता है उसको लगता है कि दूसरे लोग उसके काम से मैसअप करेंगे उसको वो रिज़ल्ट हासिल नहीं होगा जो वो ख़ुद अपने काम को करके हासिल कर सकता है इस वजह से वो चाहता है कि वो मोस्टली अपना काम ख़ुद करे दूसरों पे अपना काम ना छोड़े ताकि उसको फेलियर का सामना ना करना पड़े सो so बेसिकली उसके माइंड में उसके सब कॉन्शियस लेवल में खौफ होता है नाकामी का उसको लगता है कि अगर वो नाकाम हो गया तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी वो क्या करेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा ये खौफ उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में रोकता है यही वजह है कि उसके रिलेशनशिप सफ़र करते हैं वो लोगों को फोगिव नहीं कर सकता वो ख़ुद को फोगिव नहीं कर सकता और अपने इस एब नॉर्मल बिहेवियर की वजह से उसके लिए सोसाइटी में फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे चंद तरीके हैं जिनकी मदद से हम इस परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड पर काबू पा सकते हैं सो so, अगर मैं गौर करूं तो मुझे ये पता चलता है कि एक परफेक्शनिस्ट इंसान के सब कॉन्शियस माइंड में फियर ऑफ़ फेलियर होता है और अगर हम उसके इस फ़ियर पर काम करें तो बहुत हद तक हम उसके एटीट्यूड को बदल सकते हैं सो so, कहा जाता है कि अगर एक इंसान को कोई फोबिया है या किसी भी चीज़ से कोई खौफ है और उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली उसी चीज़ से एक्सपोज किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसका फियर ख़त्म होना शुरू हो जाता है बेसिकली जब आप फियर से एक्सपोज होते हैं कुछ लोगों को स्विमिंग से डर लगता है सो आहस्ता एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप उस चीज़ से ख़ुद को एक्सपोज करते हैं और कोशिश करते हैं स्विम करने की या एक इंस्ट्रक्टर uh, की प्रेजेंस में अगर आप कोशिश करते हैं स्विम करने की तो फिर आप ग्रेजुअली एंड स्लोली उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं इसी तरह अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं और आपको डर लगता है कि आपका काम ख़राब हो जाएगा तो फिर क्या होगा तो आप ऐसा कीजिए कि कोई ऐसा काम लीजिए कोई छोटा सा काम लीजिए जिसकी ना नाकामी की सूरत में भी आपकी ज़िंदगी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप वो काम कीजिए और उसको आ, जब आप 90% परसेंट ऑफ सेटिसफेक्शन आपको हो जाए तो आप उस काम को छोड़ दीजिए एंड सी वट यू गेट मोस्टली क्या होता है कि हम लोग आ, इतनी माइक्रो लेवल पे चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं कि वो चीज़ें भी जो एक्चुअली हमारी लाइफ में मैटर नहीं करती हम उनको भी एक्स्ट्रा टाइम दे रहे होते हैं तो जब हम उनको निगलैक्ट कर देंगे तो हमारी लाइफ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा सो so, आप कोशिश कीजिए कि आप नाइन्टी परसेंट ऑफ सेटिसफेक्शन वन यू अचीव यू स्टॉप वर्किंग टवर्ड्स दैट टास्क और आप देखेंगे कि आपको uh, फिर भी कामयाबी हासिल होगी सो so, ये एक तरीक़ा है के फियर से ख़ुद को एक्सपोज करने का और अगर आपको नाकामी भी हो जाती है तो आपका काम इतना बड़ा था भी नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी पर कोई ख़ास या मेजर इफ़ेक्ट लेकर आएगा सो ट्राई विद स्मॉल थिंग्स एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू दोस्तों अगर देखा जाए तो फेलियर कोई बुरी चीज़ नहीं है फेलियर ही से हम सीखते हैं और हमें फेलियर ही सिखाते हैं कि हम कामयाबी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं क्या आपको मालूम है कि सिलिकॉन वैली में जो नए आंट्रप्रनस हैं जो अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं आ, उनके लिए एक फ़ेल कॉन के नाम से कॉन्फ्रेंस मुरतब की जाती है जहाँ पे लोग अपने फेलियर्स की स्टोरीज शेयर करते हैं और बताते हैं कि कैसे कितनी बार वो फेल हुए तब जाके उनको कामयाबी हासिल हुई और आ, नए आंट्रप्रेन्योर्स के लिए उनका एक बहुत फेमस मंत्रा है जिसको वो कहते हैं फेल फास्ट एंड फेल फ्रिक्वेंटली इससे ज़ाहिर होता है कि उनके यहाँ फेलियर को एम्ब्रेस किया जाता है नाकामियों को भी सेलिब्रेट किया जाता है और नाकामियों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं नाकामियों को जब हम एक्सेप्ट करते हैं उनसे सीखने की कोशिश करते हैं तो तब हम उनको एम्ब्रेस करते हैं लेकिन हमारे यहाँ क्या माइंडसेट है हमारे यहाँ तो कहा जाता है हमारे यहाँ तो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है हमारे यहाँ तो कहा जाता है ऑल और नथिंग या तो आपको सब कुछ मिलेगा या आपको या फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जबकि रियालिटी में ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में कोई भी कामयाबी हासिल करने के लिए पहले आपको बहुत सारी नाकामियों से गुजरना पड़ता है आप बहुत बड़े बड़े एथलीट्स की जिंदगियों को भी उठा के देख लें उन्होंने अपनी एथलेटिक लाइफ में बहुत सारी नाकामियों को फेस किया होता है तब कहीं जाकर वो अपने गोल तक पहुंचते हैं आपने अक्सर नोटिस किया होगा जब हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आ, कोई मैच हार जाती है और स्पेशली वो मैच जिसमें वो कोई एफर्ट नहीं करते तो मोस्टली हमारा क्या रिएक्शन आता है हम लोग कहते हैं कि यार इन्होंने एफर्ट ही नहीं की इन्होंने कोशिश ही नहीं की अगर ये कोशिश करते और खेल के हारते तो तब हमें इतना दुख नहीं होता तो ये सेम रूल हम अपनी लाइफ में क्यों नहीं अप्लाई करते हम लोग कहते हैं कि नहीं यार हम लोग कोशिश नहीं करेंगे हमें डर लगता है हम कहते हैं नहीं हम लोग अगर ये काम करेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे सो बेटर नॉट डू इट हम अपने लिए इतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि हमें वो अचीव करने ही मुश्किल होते हैं तो वाई नाट सेट स्मॉल टारगेट्स अपने टारगेट्स को चंक डाउन करें और अपने आप को स्मॉल टास्क दें अचीवेबल टास्क दें ऐसे टास्क दें जो आप छोटे टाइम में अचीव कर सकें और आपके लिए अचीव करना ज़्यादा मुमकिन हो ज़्यादा आसान हो और जब वो आप अचीव कर लेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ जब मैं एक टास्क कर सकता हूँ तो फिर मैं दो भी कर सकता हूँ फिर मैं तीन भी कर सकता हूँ और इस ये अचीवमेंट आपको आपके गोल तक लेके जाएगी अलाउ योर सेल्फ़ टू वर्क इम परफेक्टली डू टास्क इनकम्प्लीटली जब आप एक काम को परफेक्टली या कम्प्लीट तौर पर करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि आप बहुत एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं और उसका ओवरऑल इफ़ेक्ट वो नहीं आ रहा जो आप अचीव करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपको खुशी महसूस नहीं हो रही सो so, आप अलाउ कीजिए खुद को कि आप एक टास्क इमपरफेक्टली करें और जब आप एक टास्क को एक लेवल तक अचीव कर लेंगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच जाएंगे एटलीस्ट आपको ये माइंड में सेटिसफेक्शन होगी कि आपने एक स्टेप तो लिया आपने एक्शन तो लिया सो so बेसिकली होता यह है कि जब हम कोई काम परफेक्टली करना चाह रहे होते हैं और हम नहीं कर पा रहे होते हैं तो हम उसको गिव अप कर देते हैं लेकिन जब हम अपने आप को इतना मार्जिन देते हैं कि हाँ हम टेन परसेंट मिस्टेक कर सकते हैं तो हम नाइन्टी परसेंट अचीव कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हाई वैल्यू टास्क होते हैं और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि लो वैल्यू टास्क होते हैं लेकिन अगर हम आ, अपने सारे कामों का जायज़ा लें तो हमें लगेगा आउट ऑफ हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ द टास्क आर ऑफ़ हाई वैल्यू वेर एज एटी परसेंट ऑफ़ द टास्क आर ऑफ़ लो वैल्यू लेकिन एक परफेक्शनिस्ट इंसान की कोशिश होती है कि उसके सारे काम परफेक्ट तरीके से हों सारे काम हंड्रेड परसेंट ठीक तरीके से हों uh, तो क्या होता है वो मोस्टली अपने काम को अचीव नहीं कर पाता इसीलिए आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है आपको अपने 20% ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क को सेपरेट करने की ज़रूरत है उन 80% ऑफ टास्क से जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कि आप ओवरलुक भी कर सकते हैं या आप जिन उन कामों को बाद में भी कर सकते हैं आपने नोटिस किया होगा कि हम उसी उन्हीं रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं जहां हम पहले भी जा चुके होते हैं या जहां हमें सेटिसफेक्शन मिलती है लास्ट टाइम सोचिए जब आप फूड कोर्ट गए थे तो आपने कहाँ से खाना खाया था मोस्टली आपने वहीं से खाना आ, खाया होगा जहाँ आप पहले भी जा चुके होंगे इसी तरह हम उसी ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करते हैं जहाँ हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है और हम हर बार वहीं से शॉपिंग करते हैं सो so, इसका मतलब ये है कि हमारे सारे कामों में से सिर्फ बीस फ़ीसद हमारे एक्शन या हमारे काम हमारी ज़िंदगी पर ज़्यादातर असरअंदाज हो रहे हैं और ये वो बीस फ़ीसद काम हैं बीस फ़ीसद हमारी प्रायोरिटीज़ हैं जिन पर अगर हमने ज़्यादा फ़ोकस ज़्यादा अटेंशन पे किया ज़्यादा फ़ोकस दिया तो हमारी ज़िंदगी पर इनका ज़्यादा असर होगा क्योंकि इनका हमारी ज़िंदगी पर ज़्यादा वेट है ज़्यादा इन्फ्लुंस है सो वाई टू वरी अबाउट दोज एटी परसेंट ऑफ टास्क विच आर ऑफ लो वैल्यू जिनका हमारी ज़िंदगी पर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इसीलिए अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस पर आप उन डिटेल्स पर वर्क कर रहे हैं जो आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं जो आप ओवरलुक भी कर सकते हैं तो आप उनको छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके माइंड में ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ टास्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द रेस्ट ऑफ एटी परसेंट अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने सिर्फ 20 फ़ीसद कामों पर ही तवज्जो देनी है और 20 फ़ीसद वो काम जो कि हाई वैल्यू के काम हैं उन पर तवज्जो देनी है तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपके माइंड में ये थॉट होगा कि मैं अगर स्मार्टली काम करता हूँ तो मैं अपने टाइम को भी मैनेज कर पाऊँगा और मैं इन हाई वैल्यू टास्क की मदद से अपनी ज़िंदगी पर एक अच्छा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ बिकॉज़ ये बाकी के 80 परसेंट काम को ओवर शेडो कर देंगे सो so, ये ख्याल आपको एकदम से रिलैक्स कर देगा आप ओवरवेम्ड फील नहीं करेंगे आपको प्रेशर फील नहीं होगा अपनी नर्व्स पे और आप इजीली अपना काम कर पाएंगे जब हम परफेक्शनिस्ट होकर सोचते हैं तो हम मोस्टली अपनी मिस्टेक्स पर फोकस करे होते हैं और हमें लगता है कि ये अगर हमने मिस्टेक ना की होती तो ज़्यादा अच्छा होता तो हमारा ध्यान अपनी मिस्टेक्स अपने फ्लॉज की तरफ़ होता है अपने फेलियर्स की तरफ ज़्यादा हम फोकस करे होते हैं जो हमें डाउन साइड ले जाता है हमें डिस्ट्रेस की तरफ ले जाता है हमें सैडनेस की तरफ ले जाता है और ये कोई पॉजिटिव इमोशन नहीं है जो हमें सक्सेस दिला सके या जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाए तो so, इसका आसान सा हल ये है कि अगर आपको कोई नाकामी भी होती है तो उसको एक्नॉलेज कीजिए उसको भी सेलिब्रेट कीजिए और अपनी हर हर कामयाबी को सेलिब्रेट करना सीखिए भले वो एक परसेंट ही क्यों ना हो इसका मतलब यह है कि अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए हमारे यहाँ सेलिब्रेशन वाला कल्चर ज़्यादा आम नहीं है सिवाय इसके कि हम बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं या शादियाँ सेलिब्रेट कर देते हैं लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है या हमारी जो कह लें वर्क लाइफ है या हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं जो हमारे गोल्स की तरफ हमें लेकर जा रहा है या जो भी हमारे पर्सनल गोल्स हैं अगर हमें लग रहा है कि हम उनके तरफ बढ़ रहे हैं और हमने कोई छोटी सी भी एफर्ट की है उन गोल्स को अचीव करने के लिए भले वो रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने के गोल्स हों भले वो अच्छा खाना बनाने का एक गोल हो भले आपका ये गोल हो कि आपने आज एक अच्छी बिरयानी बनानी है या आपके घर दावत है या कोई आपके घर आ रहा है और आपने उनको अच्छे से खाना सर्व करना है आपका भले ऐसा ही गोल क्यों ना हो और आपको लगे कि आपने नाइन्टी उसको अचीव कर लिया है तो उसको सेलिब्रेट कीजिए अपने लिए कोई ऐसा काम जरूर कीजिए जिससे आपको खुशी महसूस हो सो अपने आप की तारीफ़ कीजिए ख़ुद को सेलिब्रेट कीजिए ख़ुद को अप्रिशिएट करना सीखिए हमारे यहाँ ये कल्चर आम नहीं है कॉमन नहीं है लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते तो ख़ुद को अप्रिशिएट कीजिए खुद की सक्सेस को अचीव कीजिए भले वो एक परसेंट ही सक्सेस क्यों ना हो उसको भी सेलिब्रेट कीजिए और जहाँ आपने मिस्टेक की है उसको सेलिब्रेट सेलिब्रेट कीजिए उसको आप अपने एज डिस्कवरी लीजिए कि आपके आ, प्रोसेस ऑफ सक्सेस में ये ब्लाइंड स्पॉट जो पहले आपको नहीं दिख रहा था अब आपको दिख रहा है और अब आप उसको फ़िक्स कर सकते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसके उसके ऊपर काम कर सकते हैं ताकि आप को नेक्स्ट टाइम कामयाबी हासिल हो सो so, ये सारी डिस्कवरीज़ तभी आपको हासिल होंगी जब आप अमलन कोई काम करेंगे और जब आप अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स देंगे छोटे छोटे टास्क देंगे और ऐसे काम देंगे जो आपके लिए आ, अचीव करना आसान होगा तब ही आप अपना एक मोमेंटम गेन करेंगे तभी आप स्पॉन्टेनाइटी को अचीव करेंगे और तभी आप फ्रीक्वेंटली अपने काम को कर सकेंगे सो कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा काम हाई फाई लेवल का होना चाहिए या प्रो लेवल का होना चाहिए तभी मैं वो काम करूँगा या करूँगी जब तक वो मेरे स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता तब तक मैं वो काम नहीं करूँ करूंगा या करूंगी मोस्टली ऐसा भी होता है कि हम लोग राइट right मोमेंट का वेट करे होते हैं हम कहते हैं कि नहीं जब कंडीशंस बिल्कुल राइट होंगी जब राइट uh, मोमेंट right होगा तो तभी मैं स्टेप लूँगा तभी मैं एक्शन लूँगा तो वो राइट right मोमेंट कभी भी नहीं आता दैट नेवर कम्स तो so, आपको उस राइट प्रेजेंट मोमेंट को राइट right मोमेंट में कन्वर्ट करना होगा अपने आप को छोटा टारगेट देना होगा और एक चीज़ याद रखनी होगी कि जब आप अमलन अपने कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाते जाएंगे तभी आपको कामयाबी हासिल होगी लेकिन अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई फाई बना लेंगे कि वो खुद आपके रास्ते की रुकावट बन जाएंगे तो तब आप बहुत इजीली गिव अप कर जाएंगे सो so, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा लो कीजिए अगर आप 90 परसेंट सक्सेस भी अचीव कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ख़ुद को अप्रिशिएट कीजिए अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कीजिए अपने फेलियर्स को अपनी लर्निंग में कन्वर्ट कीजिए उनको एक्नॉलेज कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि आप एक ह्यूमन हैं आपसे मिस्टेक हो सकती है आपसे गलती हो सकती है आप भी गिव अप कर सकते हैं लेकिन आपने दोबारा खड़े भी होना है और आपने दोबारा अपने काम पर लग भी जाना है और अगर आपको कामयाबी हासिल फिर भी नहीं होती तो आपने कोशिश नहीं छोड़नी सो so, ये वो चंद आ, टिप्स हैं जिन पर अगर आप काम करें और जिन पर अगर आप गौर करें तो ये आपको आ, आपकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद देंगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो में अनटिल अल्लाह हाफ़िज।